चलो ठीक है हो जाएगा। चलो भैया हाँ ठीक है भैया, आप कर लो सेट कर लो। हो गया कीजिए कनेक्ट कीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल शपथ ग्रहण किया है, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और दोनों उप मुख्यमंत्रियों को बहुत हृदय से बधाई और शुभकामना देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल शपथ ग्रहण कराया है, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और पूरा देश भर के भी वरिष्ठ लोग, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व कल उपस्थित था। तो पुनः एक बार बधाई और शुभकामनाएं। लेकिन जो कहा जाता है कि इस देश के अंदर गारंटी की गारंटी कोई है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मोदी जी की गारंटी, भारतीय जनता पार्टी का भरोसा, हमने जो संकल्प पत्र जारी किया था, संकल्प पत्र के अंदर पहली कैबिनेट शपथ ग्रहण करने के तत्काल बाद हमारे मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देता हूं कि मोदी जी की गारंटी को पूरा करने में सबसे पहली भूमिका निभाने का काम हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया। हमने कहा था कि आदिवासी भाई और बहनों के सशक्तिकरण के लिए हम तेंदुपत्ता संग्रहण दर 3000 से बढ़ाकर 4000 रुपये प्रति बोरा करेंगे। मुझे खुशी है कि मोदी जी की गारंटी को पूरा करने का काम हमारे मुख्यमंत्री ने पहली कैबिनेट में आदिवासी भाई और बहनों के सशक्तिकरण के लिए तेंदुपत्ता संग्रहण दर 3000 से बढ़ाकर 4000 रुपये करने का कैबिनेट ने पहला निर्णय किया आदिवासी भाई और बहनों के सशक्तिकरण के लिए। मैं पुनः सरकार को बधाई देता हूं, आदिवासी भाई और बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि संकल्प पत्र पर पहले दिन से काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी की गारंटी, भारतीय जनता पार्टी का भरोसा, जो मध्य प्रदेश के अंदर हमने संकल्प पत्र में जिन बातों का उल्लेख किया था, उन सारी बातों को आज पूरा करने का काम हमारी सरकार ने शुरुआत कर दी है। उनको प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय के रूप में उन्नयन करने की घोषणा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत शासकीय और निजी विश्वविद्यालयों में छात्रों की डिग्री अंक सूची को डिजी लॉकर में अपलोड किया जाना, ये उच्च शिक्षा विभाग के अंदर जो कहा था उसको पूरा किया है। और आदतन अपराधियों के लिए शिकंजा कसा जाना आवश्यक है ताकि वे जमानत पर छूटकर फिर से अपराध न करें, ऐसे आदतन अपराधियों के द्वारा पूर्व में किए गए अपराधों में प्राप्त जमानत को दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 437, 438, 439 के तहत संबंधित न्यायालयों में आवेदन प्रस्तुत कर निरस्त कराने की कार्रवाई करने के दिशा निर्देश आज जारी कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के राज्य में 2003 से पहले जो असुरक्षित मध्य प्रदेश था, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतने वर्षों में गुंडा राज से लेकर डकैतों के राज से लेकर हर प्रकार के अपराधीकरण को समाप्त करने का काम तो किया ही था, सुरक्षित मध्य प्रदेश बनाया था, तो उसमें दो कदम आगे बढ़ करके हमारी नई सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री भाई मोहन यादव जी के नेतृत्व में ये भी ऐतिहासिक निर्णय कल की प्रथम कैबिनेट ने लिया है। सोच लें, मध्य प्रदेश सुरक्षित है, इस प्रकार के लोगों का स्थान मध्य प्रदेश के अंदर नहीं हो सकता। प्रदेश में ध्वनि विस्तारक यंत्रों, लाउड स्पीकर, DJ, ऐसे संबोधन प्रणाली वाले जो आम जनता के हित के लिए माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप
उसे पालन कराने के लिए हमारी सरकार ने जो अनियंत्रित नियम विरुद्ध प्रयोग को प्रतिबंधित करने हेतु दिशा निर्देश जारी किए हैं, ये भी एक ऐतिहासिक निर्णय हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारी पहली कैबिनेट ने लिया है। 1 जनवरी 2024 से साइबर तहसील की व्यवस्था मध्य प्रदेश के अंदर सभी 55 जिलों में लागू करेंगे। तो इस प्रकार से कार्य जारी करते हुए आवेदन, नामांतरण और अभिलेख दुरस्तीकरण की व्यवस्था साइबर तहसील के माध्यम से लागू की जाएगी। ये भी ऐतिहासिक निर्णय हमारी सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर किया है कि खसरे और नक्शे में भी ये सारी चीज़ें जो हों वो एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था के लिए, जब रजिस्ट्री हो उसी समय नामांतरण की व्यवस्था करने का काम, ऐतिहासिक निर्णय मध्य प्रदेश की पहली कैबिनेट ने हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भारतीय जनता पार्टी की पहली कैबिनेट ने लिया है। एक ऐतिहासिक निर्णय है किसानों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए, सामान्य लोगों के लिए कि इस व्यवस्था को ट्रांसपेरेंट कैसे बनाया जाए। इसमें बेहतर निर्णय हमारी सरकार ने किया। तेंदू मैं आज आप लोगों को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने विकसित भारत संकल्प यात्रा जो देश के अंदर चली है, मध्य प्रदेश से लेकर के जो चुनावी राज्य थे उन राज्यों में 16 तारीख से यात्रा प्रारंभ हो रही है। विकसित भारत यात्रा के संकल्प को साकार करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9.5 वर्षों में अपने महत्वपूर्ण निर्णय, दूरदर्शी सोच एवं योजनाओं से देश भर में जो माहौल बनाया है वह किसी भारतीय से छिपा तो नहीं है। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से योजनाओं के प्रति जागरूकता, जन भागीदारी के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा जो प्रारंभ की गई है, सभी ग्राम पंचायत और सभी नगर निकाय में भ्रमण कर लोगों को लाभ दिलाया जा रहा है। एक ऐतिहासिक इस यात्रा के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हर गरीब के जीवन को बदलने का जो अभियान लिया है, गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर पंचायत में और हर नगर निकायों में भ्रमण करके लोगों को लाभ दिलाना, जागरूक बनाना, उसमें हमारे सभी जनप्रतिनिधि, पंच सरपंच से लेकर पार्षद से मेयर तक, जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर के नगर पालिका अध्यक्ष, ऐसे सभी ग्रामीण नगर निकाय के हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि जो मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत के साथ हमने नगर निकाय का चुनाव जीता था, सभी सम्मानीय सांसद, सभी सम्मानीय विधायक, सभी जनप्रतिनिधि अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा करके कि मोदी जी के गारंटी का रथ इन स्थानों पर पहुंचेगा और उस गारंटी रथ हमारे सपनों को जो पूरा करने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो हो रहा है, इसलिए ये भारत विकसित भारत संकल्प यात्रा केंद्र राज्य सरकार हर नागरिक को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं जो चला रही है, वर्ष 2014 से पहले देश में चेहरा देखकर योजनाएं बनाई जाती थी, उसमें भी जमकर बंदरवाट का खेल होता था, किसको प्रदान, कौन से आवास बनते थे, किसको मिलेंगे किसको नहीं मिलेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने के मंत्र पर जो काम किया है। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा में हम जमकर सभी लोगों को उनके एजेंडे में, गरीब, सामान्य नागरिक, महिलाएं, नौजवान जो होते हैं, आज देश में गरीबों और जरूरतमंदों को प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, गरीबों के घर में निःशुल्क शौचालय, जनधन अकाउंट योजना, आयुष्मान भारत योजना, पीएम सम्मान निधि, पीएम स्वनिधि जैसी योजनाएं, तमाम लोक कल्याणकारी और गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लाभ देने का काम विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से ऑन द स्पॉट लाभ दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक यात्रा निकालने का काम देश के अंदर हुआ है। देश के अंदर 13 करोड़ से ऊपर, तो मध्य प्रदेश के अंदर 1 करोड़ 39 लाख लोग
गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, हर गरीब के जीवन में खुशी आई है, हर समाज वर्ग के आंखों में खुशी है, तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नव नियुक्त सरकार, नव निर्वाचित सरकार, हमारे मुख्यमंत्री भाई डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में हम उस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो यात्रा भी यशस्वी बने, इसके लिए सभी जनप्रतिनिधि और इसी प्रकार से प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में बिना लाइसेंस के खुले में अवैध रूप से मांस और मछली आदि का क्रय विक्रय प्रतिबंधित करने हेतु 15 दिवस का विशेष अभियान चलाए जाने का जो दिशा निर्देश जारी किए, मैं मुख्यमंत्री जी को, सरकार को, पूरी कैबिनेट को बधाई और शुभकामना देता हूं कि इस प्रकार के ऐतिहासिक निर्णय पहली ही बैठक में हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने लिए हैं। इसे गुड गवर्नेंस का उदाहरण कहा जा सकता है। हमारी सरकार ने पहले ही इस प्रकार की चीज़ों की शुरुआत की है और जो संकल्प पत्र, मोदी जी की गारंटी, भाजपा का भरोसा, जो हमने संकल्प जारी किया था उस पर पहले दिन से काम प्रारंभ हुआ है। यही भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का विश्वास है। मैं मध्य प्रदेश की जनता को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं, मुख्यमंत्री जी को पुनः बधाई, बहुत शुभकामनाएं। माध्यम से इस तैयारी में जुटे मैं पुनः एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं और हमारी सरकार ने पहली कैबिनेट ने जो निर्णय किए उन सभी निर्णयों को भी जनता को आज अभिनंदन, जनता का बहुत बहुत बधाई और हमारी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस लाउड स्पीकर को लेकर विरोध कर रही है, कांग्रेस सरकार अब ये वो कमलनाथ जी अपनी चिंता कर लें, आज मीटिंग में नहीं तो उनके हाल क्या हो रहे हैं। अब भाई मैंने तो बहुत पहले कहा था मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस अपना अस्तित्व खो रही है, कांग्रेस की लीडरशिप अप्रासंगिक हो गई और हमने कहा था ये जितने बनने का काम कर रहे हैं आते आते फसूकर डाल जाएंगे, फसूकर डाल गए क्योंकि हम तो एथलेटिक्स के खिलाड़ी रहे। तो मेरा ऐसा मानना है कि अब कांग्रेस के बारे में ये बात करने की जरूरत, ये उनकी चिंता का विषय है। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने इतना आशीर्वाद दिया है तो हमारा तो काम है कि सकारात्मक राजनीति पर पहले हम अपने संकल्प पत्र पर गरीबों के लिए, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि महिलाएं, युवा, नौजवान, गरीब, ये हमारी जाति है किसान, इनके हितों के कल्याण के लिए कैसे काम किया जाए, हमारी सरकार ने पहले दिन से काम प्रारंभ कर दिया। नेता प्रतिपक्ष को लेकर कोई मुद्दा नहीं है, तुष्टीकरण की राजनीति करने का काम कांग्रेस आज से नहीं करती, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति पर वो वर्ग भी अब कांग्रेस से इसलिए खिसक गया है कि एक महिला बहन ने, अल्पसंख्यक समुदाय की, जब उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया तो कॉन्फिडेंशियल होता है, लेकिन उसने कह दिया हुआ घर में तो उसके सोहर ने उसको पीटा, ये आईना दिखाया है कांग्रेस को। तो ये कांग्रेस की तुष्टिकरण की राजनीति है जो नहीं चलेगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय न्यायालय के निर्णयों का पालन करना हमारी राज्य की सरकार ने, नव निर्वाचित सरकार ने, नव नियुक्त हमारे मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक निर्णय किया है, कांग्रेस के कहने से नहीं होता। सर, गए जो पहले थे सब खत्म हो गया है, अब वो कौन बनेगा नहीं बनेगा, हम तो करें अच्छा है, सदन में विपक्ष अपनी भूमिका निभाए, अच्छे से निभाए, लोकतंत्र है और हम तो सबल लोकतंत्र की बात करते हैं। मैं तो पक्षधर हूं कि ऐसे जो लोग हैं आए, बहस हो, मध्य प्रदेश जो स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का हमारा संकल्प है उसमें वो भी अपना योगदान दे। भाई साहब, आरिफ मसूद ने कहा कि दुर्भावना की राजनीति कर रही है पहली कैबिनेट में जितने फैसले। अभी रुक जाओ आरिफ मसूद जी, आपकी गुंडागर्दी को हम ठिकाने लगा देंगे। चलिए।